महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस डिश है उसल। तो आज हम मटके की उसल बना रहे हैं। जैसे यहाँ के गाँव में जैसे बनती है, वैसे ही इसकी पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आज आपको बताई है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जो स्प्राउट्स होती है मटकी, उसे थोड़ा पानी डाल के एक सीटी केवल लगाई है मैंने इसमें, जिससे ये बहुत अच्छे से नरम हो गई है। एक चम्मच के आसपास तेल डालेंगे, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। एकदम लो फ्लेम पे हमें इस नारियल को भूनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। और ये एक कांदा है प्याज, जिसे मैंने जला लिया था पूरा अच्छे से, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसे भी हम नारियल के साथ में भूनेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाली है कुटी हुई। इसका जो एक रॉ फ्रेग्रेंस है ये निकल जाने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। प्याज को आप गैस पे रख के पूरी तरीके से जला लें, उसमें एक बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, जिससे आपकी उसल जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। एक चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्ची पाउडर डाला है। लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से आप तेल डाल दें, वरना बहुत ज़्यादा धांस निकलेगी इसमें से। और फिर हम इसे इस तरीके से पूरा मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड्स के लिए भुनेंगे। महाराष्ट्र में मोस्टली सातारा कोल्हापुर साइड में इस तरीके से उसल बनाई जाती है। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ऑथेंटिक है। अभी ये मसाला जो है ठंडा करके हम पीस लेंगे। पीसते समय इसमें करी पत्ता डाल लेना है, जैसा पसंद हो ज़्यादा या कम आप ऐड कर लें करी पत्ता और इसे पीस लें। अब एक कढ़ाई में फिर से मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी का हम कच्चापन निकाल लेंगे ऑयल के अंदर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये जो वाटन हमने बनाया था, मसाला जो पीस के रखा था, वो डाल दिया है। और इसको हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने पानी मिक्स करके उसे भी इसमें डाल दिया है। इसका तेल पूरा सेपरेट होगा, तब तक हमें इसे भूनना है। थोड़े मसाले डालते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने यहाँ। जो भी घर का या रेडीमेड गरम मसाला हो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ कांदा लहसुन मसाला। हमारे यहाँ पे मुंबई में ये इजीली अवेलेबल है। आपको आजकल सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ग्लोबली ये चीज़ें अवेलेबल रहती है, तो मिले तो आप ये ज़रूर डालें। ढककर इसे थोड़ी देर पकाएंगे। धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसमें से तेल अलग होना शुरू हो गया है। बॉईल की हुई मटकी अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसे आप मिक्स कर लें। अब इसमें जो सॉल्ट है वो भी 2 तरह का डलता है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1/2 चम्मच नॉर्मल। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें, लेकिन काला नमक ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें डालेंगे एकदम गरम पानी। जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, वैसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें गर्म पानी डाल दें। थोड़ी सी पतली होती है उसल, तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। 1/4 कप ये रोस्टेड चना लिया है फुटाने, इसका पाउडर बना लिया है। और इसका हमें एक घोल तैयार कर लेना है, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत टेस्टी और उसकी जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो इसके अंदर अभी हम ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप थोड़ा सा बेसन भूनकर वो भी डाल सकते हैं, या फिर मूंगफली का पाउडर जो है उसको भी पानी में घोल के डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट आएगा। तो ये कुछ सेकेंड देखिए बॉईल होने के बाद आप साइड से देख सकते हैं इसकी जो तरी है ये सेपरेट हो रही है। ये जो उसल है ये मैंने एकदम यहाँ की जो गावरन पद्धति होती है उस तरीके से बनाई है। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसे उबलने देते हैं। इसका ये जो साइड में ऑयल दिख रहा है ये बेसिकली एकदम अच्छे से सेपरेट होना चाहिए। लास्ट में मैंने डाला है कटा हुआ हरा धनिया और ये गर्मा गर्म उसल तैयार है। आप जवारी की भाकरी के साथ या बाजरी की भाकरी के साथ इसे खा सकते हैं। ये बहुत औसम लगती है टेस्ट में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।